अंजीर के बारे में आज मुझे आपको थोड़ा सा एक वेबिनार में बताने के लिए कहा गया है, तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मैं जानता हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं सबको शेयर कर सकूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंजीर के बारे में। अंजीर विश्व के सबसे पुराने फलों में से एक है, जिसका उल्लेख ईसा से 2000 से 3000 वर्ष पूर्व में भी मिलता है। काफी पुराने टाइम से, काफी समय से बहुत ओल्ड एज से इसका उपयोग हो रहा है हमारे भारतीय सभ्यता में भी, और हमारे तीज त्योहारों में भी, डेली रूटीन में भी हमारे इसका काफी उपयोग होता है, मिठाइयों में, आजकल आइसक्रीम में, सब जगह। इस फल के बारे में अगर देखा जाए तो ये फल फल ना होकर के पुष्पों की एक संरचना है, जो एक कवर के अंदर छुपा होता है, ढका होता है कवर से, जैसे साइकोनियम फ्रूट, जैसे साइकोनियम कहते हैं, इसलिए इसको साइकोनियम फ्रूट भी कहा जाता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में इसका उपयोग खास करके सुखाए हुए अंजीर के फलों का उपयोग किया जाता है, और ताजे फलों का उपयोग बहुत कम जानकारी में है। वर्षों से, सदियों से हमारे यहाँ सूखे फल ही उपयोग किए जाते हैं, जो बाहर से हमें आयात करना होता है। हमारे यहाँ इन फलों को सुखाने की ना कोई प्रक्रिया है अभी तक, और ना कोशिश की गई है, जहां तक मेरा मानना है। इसके फलों को काफी विशिष्ट इस सेंस में भी है कि इसमें काफी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसको हम ऐसे समझ लें कि अगर एप्पल, सेब की न्यूट्रिटिव इंडेक्स अगर जो है वो 9 का है, अंजीर का न्यूट्रिटिव इंडेक्स 11 है। इससे इस फल के मिनरल्स और विटामिन्स की उपयोगिता के बारे में कितना इंपॉर्टेंट हम समझ सकते हैं। इसके फल में बहुत सारे विटामिन्स, विटामिन ए, सी, डी नहीं होता है, ई होता है, के होता है, उसके अलावा काफी कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं। मिनरल्स में देखा जाए तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा इसमें खास करके बहुत ज्यादा होती है, सोडियम बहुत कम होता है, जिंक होता है, मैंगनीज होता है, सेलेनियम होता है। पोटेशियम पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि सोडियम साल्ट हम लेते हैं तो वो हाई बीपी का कारक होता है, वो हमारा बीपी बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ाता ही है, और पोटेशियम जो होता है वो बीपी को कंट्रोल करता है, तो हाई बीपी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रामबाण है। आयरन भी काफी अच्छा होता है और कैल्शियम भी काफी अच्छा होता है, इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए भी, और आयरन की जिनको कमी होती है उनको खास करके डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। फल की एक विशेषता और अच्छी है कि इसमें डाइट्री फाइबर जो होता है उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका गट सिस्टम जो है वो बढ़िया रहता है, और कॉन्स्टिपेशन की जिसको प्रॉब्लम होती है उनको भी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है इसकी। अब फिग, दुनिया में कितने प्रकार के फिग होते हैं पहले हम इनको देख लें कि इनके टाइप कितने हैं। तो मूलभूत रूप से ये चार टाइप के होते हैं। एक को हम बोल सकते हैं कॉमन फिग, दूसरा होता है स्मिरना फिग, तीसरा कैप्री फिग, चौथा होता है सान पेड्रो। इन सब की अलग अलग विशेषताएं होती है। कॉमन फिग जो होता है वो, उसको पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ पॉलिनेट होता है, मेल फीमेल फ्लावर एक ही में होते हैं, और दुनिया में मोस्टली जो होते हैं वो कॉमन फिग ही होते हैं, जिनको पार्थेनोकार्पिक भी कहा जाता है, पार्थेनोकार्पिक मीन्स बॉटनिकल लैंग्वेज में, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। स्मिरना फिग जो ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं अंदर, और उसको पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती। कैप्री फिग जो होता है वो होता है मेल फ्लावर, जिससे पॉलन्स लेकर के स्मिरना फिग को पॉलिनेट किया जाता है, आइदर आर्टिफिशियली और फिग वास्प होते हैं वो करते हैं। एक होता है चौथा सैन पेड्रो। सैन पेड्रो बड़ा थोड़ा अलग होता है, उसमें दोनों खासियत होती है। उसका जो फर्स्ट क्रॉप होता है जिसको ब्रेबा बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ अनार में बहार होती है ना, हस्त बहार, मृग बहार, आंबे बहार, वैसे ही फिग में दो बहार कह सकते हैं, ये एक को बोलते हैं मेन क्रॉप और दूसरे को बोलते हैं ब्रेबा। ब्रेबा मोस्टली थोड़ा सा इंफीरियर फ्रूट होता है साइज में, एरोमा में, टेस्ट में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें ब्रेबा
बेहतर होता है मेन क्रॉप से। ब्रेबा क्रॉप आती है आपके स्प्रिंग सीजन में, और इस ब्रेबा को क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये पार्थेनोकार्पिक होता है। लेकिन जो मेन क्रॉप होती है सेकंड क्रॉप, उसमें उसको पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। सान पेड्रो एक ऐसा फिग है जिसमें दोनों क्वालिटीज विद्यमान है। तो ये हो गए चार मेन टाइप इसके। अब हम ये देख लें कि हमारे देश में और दुनिया में इसका उत्पादन कहाँ, कितना और कैसा होता है। दुनिया में इसके चार प्रमुख उत्पादक हैं मेन। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर करता है टर्की, फिर आता है इजिप्ट, फिर मोरक्को और ईरान। ये चार मेन प्लेयर्स। और भी होता है मिडिल ईस्ट में और मेडिटेरेनियन, वहां पर भी क्लाइमेट है, ग्रीस है, इटली है, अल्जीरिया, सीरिया, ट्यूनिशिया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में बहुत काफी अच्छी वैरायटीज होती हैं और उसका शेयर भी काफी अच्छा है। स्पेन में भी होता है। हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो इसका कोई बहुत खास चलन अभी तक देखने में नहीं आया। इसको हम लोग एक क्या कहना चाहिए, माइनर फ्रूट, गौण फ्रूट के रूप में इसको देखते आए अभी तक। उसको जो मान्यता मिलनी चाहिए थी, जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था फ्रूट की क्वालिटी देखते हुए, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखते हुए, वो आज तक इसको नहीं मिल पाई है। यद्यपि हम लोग सदियों से इसका उपयोग कर रहे हैं, इसके गुणों से माहितगार भी हैं, पता भी है इसमें क्या गुण है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों हमारे यहाँ इसकी खेती को बढ़ावा नहीं मिल पाया। बहुत से कारण हैं, उसमें से मेरे ख्याल से एक कारण यह कि हमारे यहाँ वेराइटीज का बहुत अभाव है। कुल जहान में 800 वेराइटीज हैं इसकी अंजीर की, 600 से 800 वेराइटी अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन हमारे यहाँ गिन करके सिर्फ 2 वेराइटी अंडर कल्टिवेशन है काफी समय से, जब से इसका कल्टिवेशन शुरू हुआ है तब से। एक है पूना रेड और एक है जो अभी अभी रिसेंटली मराठवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है, दौलताबाद वेराइटी, वो है दिनकर, जिसका फ्रूट थोड़ा बड़ा होता है, और पूना रेड। बस ये 2 ही वेराइटी हमारे यहाँ। और कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ हजार हेक्टेयर या एकड़ भी ही सीमित है, और वो भी पार्ट ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु का थोड़ा भाग और महाराष्ट्र का थोड़ा भाग बस, मेनली ये इतना 3 कन्फाइंड जोन में ही इसकी खेती हो रही है। दूसरी हमारे यहाँ की जो वेराइटी है उसमें ये खामी है तो, कि ये टेबल कंजम्पशन के लिए हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्रेश फ्रूट, उनको सुखाया नहीं जा सकता। सुखा तो सकते हैं बट वो अप्रोप्रिएट क्वालिटी, उसमें क्वालिटीज नहीं आ पाती, शेल्फ टाइप कम हो जाती है, टेस्ट चेंज, कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ इसकी बहुत कम उत्पादन क्षमता है और सूखा फल हमको 100% बाहर से लाना होता है। अब इसको उगाने के लिए मेरी आवाज आ रही है सर, प्लीज। हेलो हेलो, हाँ सही आ रही है। हाँ जी हाँ जी, तो अब हम इसको देख लें कि ये इसको उगाने के लिए किस क्लाइमेट की जरूरत होती है और कौन सा इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अंजीर हॉट और एरिड जोन का फल है, गर्म और शुष्क वातावरण जहां हो वहां के लिए ये सुटेबल होता है। और हमारे यहाँ इंडिया में भी, भारतवर्ष में ऐसे काफी बेल्ट हैं जहां पर ये बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट इसको अनुरूप है। फल जब पकने की अवस्था में होता है तब इसको उच्च तापमान की जरूरत होती है। कम तापमान में फल की वो क्वालिटी नहीं आ पाती। इसका पौधा 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तक का आसानी से सहन कर लेता है, आराम से। हालांकि ज्यादा तापमान होने पर फलों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, और अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी जमीन मिट्टी में सॉइल में ज्यादा है और तापमान ज्यादा है तो फलों के फटने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा क्या है कि हार्ट एंड एरिड जोन का होने के कारण फलों की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि वहां पर जनरली जैसे टर्की में सहकारिता बेसिस पर इसको, जंगल पड़े हुए हैं वहां पर, जैसे हमारे सहकारी संस्थाएं होती है जो महिलाएं चलाती हैं या सहकारी मंडलियां होती है छोटी छोटी, वो लोग क्या करते हैं कि फ्रूट को पीन करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, सूखे हुए फ्रूट्स। उनके यहाँ क्लाइमेट की वजह से फ्रूट्स पेड़ पर ही सूख जाता है, इसलिए उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। हमारे यहाँ फ्रूट अगर हम पेड़ पर सुखाने जाएंगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें
फंगस आने की संभावना क्या, फंगस आ ही जाएगी, उसको हम सुखा नहीं सकते, ये हमारी लिमिटेशन है इंडिया में। शायद इसलिए भी इसके कल्टीवेशन को इतना बढ़ावा नहीं मिल पाया। अब देखते हैं हम इसकी वैरायटीज के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, पूरी दुनिया में कुल मिलाकर के इसकी 800 वैरायटीज, 600 से 800 वैरायटी, जिसमें कुछ स्मिर्ना टाइप की है, स्मिर्ना है ना, जिसको क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ होती है पार्थेनोकार्पिक और कुछ सैन पेड्रो। अब मैं आपको कुछ वैरायटीज बता देता हूँ स्लाइड्स में। शिव सर, शुरू से शुरू करिएगा इसकी स्मिर्ना से। सेरिलो पान जी, यस। तो जैसे मैंने बताया कि स्मिर्ना वैरायटीज जो है उसमें क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है, और क्रॉस पोलिनेशन करते हैं फिग वास्प। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडिया में फिग वास्प है ही नहीं। आप ये जो फ्रूट देख रहे हैं स्लाइड में, ये अंजीर के फ्रूट में एक बीच में छोटा सा छेद होता है, होल होता है, तो ऑस्टियोल बोलते हैं। इसी ऑस्टियोल से फिग वास्प अंदर जाता है और पॉलिनेशन करता है। तो दुनिया की बेस्ट वैरायटीज जो होती है वो स्मिर्ना वैरायटीज हैं, जो सुखाने के लिए ज्यादातर काम में ली जाती है। ये टर्की की वैरायटी है सेरिलोप। इसका सूखा हुआ फल नीचे, शु सर नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ, ये सेरिलोप का सूखे हुए फ्रूट्स हैं जो पेड़ पर ही सुखाए गए हैं। और नेक्स्ट प्लीज। दूसरा है ये सेरिजियाबेक, ये भी टर्की की वैरायटी है, ये सुखाने के लिए बेस्ट है, स्मिर्ना वैरायटी है। इसके अंदर का शायद इनसाइड भी बताया हुआ होगा, आगे प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं बताया। ये है बुरसा ब्लैक, ब्लैक वाला, हाँ बुरसा ब्लैक। ये विश्व का ताजे फलों का सबसे बढ़िया फ्रूट है बुरसा ब्लैक। साइज भी बहुत बड़ा होता है इसका, और ये भी स्मिर्ना है। नेक्स्ट बारडेडिक, ये भी स्मिर्ना वैरायटी है, सुखाने के लिए बेस्ट है और टॉप क्वालिटीज में से ये सारी टर्किश वैरायटीज हैं। बारडेडिक का इनर साइड शायद बताया, हाँ ये अंदर से देखने पर, इसको जब फल हम तोड़ेंगे तो अंदर से ऐसा दिखाई देता है बारडेडिक। अब हम देखेंगे पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं अंजीर, जिनको क्रॉस पॉलिनेशन या फिग वास्प की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। दूसरी फाइल सर, शू सर दूसरी फाइल को बता दीजिए प्लीज। पार्थेनोकार्पिक लिखा होगा शू सर। हेलो हेलो शू सर। हाँ कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, जब तक वो आती तब तक मैं बोलना चालू रखता हूँ। दुनिया की, हाँ ये आ गई, ये है, ये टर्किश वैरायटी है सियावराक। ये सुखाने के लिए भी बेहतर है और फ्रेश टेबल कंजम्पशन के लिए भी बेहतर है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट। हाँ ये सियावराक के कट सेक्शन, अंदर से फ्रूट कैसा दिखता है। दुनिया के ज्यादातर वैरायटीज पार्थेनोकार्पिक ही हैं, और हमको इंडिया में भी पार्थेनोकार्पिक वैरायटी की ही जरूरत पड़ेगी, इसमें हम नहीं कर सकते। हाँ नेक्स्ट सियावराक ड्राइड, आपने बताया था ना, आगे आगे स्लाइड कर दीजिए। हाँ ये ड्राइड है सियावराक का, आप देखिए कितना सुंदर दिखता है ये। और फिर है जॉइंट येलो, नेक्स्ट जॉइंट येलो, जॉइंट येलो। इसको आप टेबल कंजम्पशन में भी यूज कर सकते हैं और ड्राई में भी। जो जिसको हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं वो टेबल कंजम्पशन में यूज हो ही जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन जिसको हम टेबल कंजम्पशन में यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि सुखाने के लिए अप्रोप्रिएट हो ही। तो ये बोथ पर्पज है, मल्टी पर्पज है, सुखा भी सकते हैं और वो भी कर सकते हैं जॉइंट येलो। नेक्स्ट सर, शो सर डुमनाली कारा, नेक्स्ट। ये सर सारी पार्थेनोकार्पिक बेस्ट वैरायटीज हैं, टर्किश वैरायटीज हैं सारी। ये डुमनाली कारा के अंदर देखिए, हमारे यहाँ जो फ्रूट है उसको हम जब तोड़ते हैं तो इतना अच्छा, इतना रिच कहीं नहीं मिलता। चलिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करिए सर। हाँ के पेटलिकन, इसका इनसाइड भी बहुत ही रिच है,
कलर वाइज, और हनी जैसा इसका वो रहता है अंदर का, बिल्कुल जैसे इसके शहद डाल के रखा हो। के पेटलिकन या स्नैक्स करते जाइए आप, एक एक मिनट बता देते हैं सारे फ्रूट्स। सूसक टर्किश वैरायटी, नेक्स्ट सर। कोर्वो, ये सारी टर्किश वैरायटीज हैं, नेक्स्ट सर। ये कोर्वो का इनसाइड कट कट सेक्शन का अंदर से कैसा दिखता है, यस सर, नेक्स्ट सर। मैग्निफिका, ये डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट है, जो हम लोग डिहाइड्रेशन करने के लिए सब मंगवाई हुई हैं। एर्बे, हाँ एर्बे, ठीक है सर, नेक्स्ट चलेगा एर्बे। ये फ्रेश और ड्राइड डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट है, यस सर, नेक्स्ट। ब्लैक डोनो, ये भी दोनों पर्पज मल्टीपर्पज है, नेक्स्ट सर। हाँ ये है मार्टिन एंका रिमाडा, ये स्पेन की, नेक्स्ट, हाँ स्पेन की वेराइटी है। इसमें क्या है कि फ्रूट में ग्रीन पट्टियां होती हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तभी इसकी धारियां निकल जाती हैं, नेक्स्ट सर। खुर्तमानी, नेक्स्ट सर, हाँ ये खुर्तमानी वेराइटी है, ये मिडिल ईस्ट की वेराइटी है और बहुत बड़ा होता है। बस अभी यहीं पर यहीं तक, और भी दूसरी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे व्हाइट एड्रियाटिक है, ब्लैक मिशन है। ब्लैक मिशन वैरायटीज जो है वो दुनिया की वन ऑफ द स्वीटेस्ट वैरायटीज में से एक है, ब्लैक मिशन है ना। ब्राउन टर्की है, कडोटा है, कडोटा को इटली में डोटाटा बोला जाता है, नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था टर्किश वैरायटी सेरिलो, वो हो जाती है कैलिमरना, कैलिफोर्निया में उसको कैलिमरना कहा जाता है। अलग चीज एक ही है लेकिन नाम कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। डेजर्ट किंग है, सेलेस्ट है, शिकागो हार्डी वगैरह है। अच्छा, इसकी फल की एक खासियत यह है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -4 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर की इसमें वेराइटीज हैं, मतलब आप इसको ठंडे प्रदेशों में उगा सकते हैं, शीतोष्ण में भी उगा सकते हैं, समशीतोष्ण में उगा सकते हैं, और एरी और हॉट एंड एरिड जोन में भी उगा सकते हैं। अलग अलग वातावरण के लिए अलग अलग बहुत सारी इसकी वेराइटीज। जैसा मैंने बताया हमारे यहाँ खाली दिनकर और पूना वेराइटी। अब इसको किस वेराइटी किस सॉइल में उगाया जाए, वैसे तो इसको हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन डीप सॉइल कम से कम 90 से 120 सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल, और प्राइम कंडीशन उसके लिए ये है कि सॉइल वेल ड्रेन्ड होना बहुत जरूरी है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि अंजीर के पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन है स्टेग्नेंट वाटर। पानी अगर उसमें रखा है, पड़ा रहा है, तो वो वैसे भी हम देखते हैं नेचर में, हम लोग सब जानते हैं खेती करने वाले कि प्रकृति में जो वनस्पति है, जो लेटेक्स एक्सक्यूट करती है जिसमें से दूध निकलता है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट और खाद की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और वो तापमान को, अधिकतम तापमान को सहन करने में सक्षम होती है। तो इसका भी ऐसा ही, ये भी लेटेक्स एक्सक्यूट करता है, और इसकी भी पानी और खाद की जरूरत बहुत कम होती है, इसलिए इसकी खेती बड़ी प्रॉफिटेबल है, वो मैं आगे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। और मिट्टी का पीएच 5.5 से 9 तक के पीएच में, बड़ी वाइड रेंज में ये उगाया जा सकता है, और आइडियल पीएच इसके लिए 7 से 8 है, जिसमें बहुत अच्छी तरह थ्राइव करता है, बट 5.5 से 9 तक भी हम उगा सकते हैं। अब इसका प्रोपेगेशन देख लेते हैं, तो प्रोपेगेशन में ये 3-4 तरफ से उसका प्रोपिगेट कर सकते हैं हम। एक तो कटिंग, 9-10 इंच की कटिंग हमारी, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी हमारी उंगली के साइज की, और उससे आराम से उग जाता है। एयर लेयरिंग कर सकते हैं, बडिंग भी होती है इसकी, और टिश्यू कल्चर भी से इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। सीड से भी होता है, बट वो सीड से फिर फ्रूट आने में बहुत टाइम लगता है, मदर प्लांट में जो फ्रूट होता है वैसा है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसको कटिंग या इसको प्रोपिगेशन करने का सबसे बढ़िया टाइम है जनवरी फरवरी या जुलाई अगस्त, वो आपका एरिया के तापमान और मौसम के हिसाब से उसको हम कर सकते हैं। फार्मिंग में इसकी जो प्लांटेशन डिस्टेंस है, जैसा अभी मेरे फार्म का स्लाइड अभी लगा हुआ है, ये जो हमने उगाया हुआ है ये ब्राउन टर्की वैरायटी है, ये दुनिया की टॉप 25 वैरायटीज में से एक है। इसको आप फ्रेश भी कंज्यूम कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन के लिए भी ये बेस्ट है।
तो इसके प्लांटेशन के लिए कम से कम 10 फीट बाई 10 फीट के अंतर पर इसको हम लगा सकते हैं, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन 10 बाई 10 या 12 बाई 10, ज्यादा अंतर पर भी इसको लगाया जा सकता है। लेकिन फिर क्या होता है कि प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, तोड़ने में इसको फ्रूट को मुश्किल होती है। और दूसरी दिक्कत यह है कि फ्रूट के जो फ्रूट्स होते हैं वो दो सीजन में बड़े अलग अलग तरीके से आते हैं, इसलिए इस फ्रूट की प्रूनिंग मैंडेटरी है, जरूरी है, आपको प्रून करना ही है, नहीं तो उसकी आपकी जो यील्ड है उस पर असर पड़ेगा और आपको फलों का मतलब उत्पादन में भी नुकसान हो सकता है, नहीं होगा ही होगा। तो इसको जब लगाते हैं तो 2 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट का गड्ढा खोद करके उसमें बढ़िया FIM भर के आपको जो भी खाद डालना है तो एक महीने पहले तैयार करके फिर जनवरी फरवरी में या जून जुलाई में इसको आप लगा सकते हैं। पानी की सुविधा हो आपके पास, मई जून में भी लगाया जा सकता है रूटेड प्लांट। सिर्फ बहुत ज्यादा सीवियर ठंडी हो वो सीजन में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तो इसके प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के अगर हम देखें इसको तो पौधे की उम्र से इसकी हिसाब से खाद और को जो मैन्योर्स हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन जैसा मैं करता हूँ, मैं केमिकल यूज नहीं करता, इसलिए केमिकल कन्वर्शन सा मैं कर भी नहीं पाऊंगा कितना लगता है, I don't know। तो इसमें हम लोग गोबर का खाद और जीवामृत वगैरह, एमिनो एसिड मैं बनाता हूँ खुद अपना, फिश एमिनो एसिड वगैरह और जितने भी लिक्विड तरल खाद हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। केमिकल आपको अगर यूज करना है और आपकी जमीन में नाइट्रोजन ठीक ठाक है तो बने वहां तक इसको नाइट्रोजन कम दीजिए, बढ़वार अच्छी है मान लो आपके यहाँ तो फिर नाइट्रोजन मत दीजिए आप, इसको पोटाश और फास्फोरस इसमें ज्यादा हो वो खाद दीजिए। ये मेरे फार्म की फोटो है स्लाइड में, ये 10x10 पे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, अभी साल भर के नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सवा साल डेढ़ साल के प्लांट हुए हैं। शिव सर आगे भी है क्या एक स्लाइड फार्म की, अगर हो तो आगे इसको बढ़ा दीजिए स्लाइड को। हाँ ये देखिए, ये फ्रूट आया हुआ है, ये मैं बताऊं, मैं ये मैंने 4 नवंबर 2019 को प्लांट लगाया था और 4 नवंबर 2019 को लगाने के बाद ये जो पका हुआ फ्रूट है पहला, ये फरवरी में अप्रैल फर्स्ट वीक में पक गया था, 6-8 महीने में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ये कमर्शियली वायबल नहीं है। कमर्शियली वायबल है 2 साल बाद ही इसका फ्रूट लेना चाहिए ताकि प्लांट भी हमारा मजबूत हो जाए और यील्ड भी अच्छा है। तो इरिगेशन पानी की कम जरूरत पड़ती है, लेकिन व्यावसायिक तौर पे खेती करना हो तो इसको रेगुलर पानी हमको देना पड़ेगा। तो सीजन के हिसाब से ठंडी में आप 15-20 दिन में एक बार, गर्मी में 10-12 दिन में एक बार फ्लड इरिगेशन है तो, और अगर ड्रिप इरिगेशन है तो बहुत अच्छी बात है, 10-12 लीटर पानी इसको रोज एवरेज दे सकते हैं। सॉइल कंडीशन आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है तो ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं इसका, ड्रिप इरिगेशन का भी, या पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। एक थंब रूल ये है कि इसको 2 से 2.5 इंच नीचे तक अगर मिट्टी में अगर आपकी नमी बनी हुई है तो फिर इसको पानी देने की जरूरत नहीं, उसके बाद ही आपको पानी देना है। अगर वहां तक नमी बनी हुई है डेप्थ तक, हमारे सीरीजिंग में उसको ड्यूटी और डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा अगर 2-2.5 इंच का है तो चलेगा, डेप्थ मतलब पानी, फिर ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। मेन चीज है इसमें इस खेती में वो है इस फ्रूट की ट्रेनिंग और प्रूनिंग। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेबा बसंत ऋतु में आता है फ्रूट, और वो आता है 1 साल पुरानी डाली पर फ्रूट, यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये बड़ा ट्रिकी है। 1 साल पुरानी डाली पर ब्रेबा फ्रूट आता है बसंत में यानी गर्मियों, और मेन क्रॉप आता है 1 साल पुरानी डाली से निकली हुई नई डाली पर, या यूं कह लीजिए नई डालियों पर। तो फर्स्ट क्रॉप जो होती है वो नई शाखाओं पर आती है, और सेकंड क्रॉप ब्रेबा जो होती है वो आती है 1 साल पुरानी डाली। तो इसलिए इसका प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कौन सी क्रॉप लेना है, हमारी देशी भाषा में कहा जाए तो कौन सा बहार लेना है, 2 बहार आती है। अगर आपको बसंत का लेना है तो फिर आपको 1 साल पुरानी डाली रखना होगी, इस तरह से
कटिंग करना होगी कि आपको एक साल पुरानी डालियां उस सीजन में बहुतायत में, और फ्रेश लेना है तो फिर एक साल पुरानी डाली को इस तरह से कटिंग की जाए कि आधी या 75% करके कर उसमें जितने मैक्सिमम नए शूट्स हम डेवलप कर सकें उस हिसाब से। ये इसका इस फसल का एक बहुत की पॉइंट है। आप इस अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। और सबसे बड़ा खाद है इसका फिग फ्रूट का उत्पादन के लिए सबसे बड़ा खाद। आप कुछ नहीं देंगे तो भी आपको फ्रूट देगा। तापमान, हीट, गर्मी, जितनी गर्मी होगी उतना आपका फ्रूट की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, उसकी स्वीटनेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उसका लश्चर, उसकी शाइन, अरोमा वो बहुत अच्छा होगा। तो हीट जहां मैक्सिमम धूप आती हो वहां पर इसको, अगर मान लो गार्डन में लगाना है अपने और कमर्शियल में तो ठीक है, धूप की कोई दिक्कत नहीं है, तो धूप इस प्लांट में सब जगह पहुंचे उस हिसाब से भी इसको प्रून करना होगा ताकि नीचे की डालियों तक सनलाइट पहुंच सके। इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि इसको बीच में से ओपन रखा जाए और साइड से इसकी जितनी शूट्स निकल सकते हैं वो निकले ताकि सब तरफ इसको सनलाइट मिल सके। और दूसरा, एयर सर्कुलेशन भी बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी फल के लिए भी खराब है और प्लांट के लिए भी खराब है, पत्तियों के लिए भी खराब है। फंगस आएगी तो ब्लाइट आता है, रस्ट आता है, दुनिया भर की बीमारियां आएंगी। तो जितना ओपन प्लांट हम रख सकें उतना बेहतर, और 7-8 फुट से ज्यादा हाइट न रखें तो बेहतर। इसलिए इसका डिस्टेंस हम 10x10 या 12x12 रखते हैं कि प्लांट हमको बहुत बड़ा नहीं करना है। बहुत ऊंचा हो जाएगा आपका, 4-5 मीटर का हो गया तो तोड़ने में दिक्कत, फ्रूट बड़े नरम होते हैं, नीचे गिरेंगे तो कंकरी घुस जाएगी, मिट्टी घुस जाएगी, खराब हो जाएगा। इतनों पर आप जाओगे कैसे, डालियां कमजोर होती हैं। तो 7-8 फुट तक तो इसको ट्रेन करना होता है। जब 2.5 फुट का हो जाए या 3 फुट का, जैसे आपको सुविधा हो, तो इसकी जो इसको पिंच कर लीजिए, टॉप पिंचिंग करके हम साइड शूट्स को बढ़ावा देते हैं ताकि ब्रांचिंग इसकी ज्यादा हो, हाइट कम हो। दो फायदे हैं कि हाइट कम होने से आप हाथ से फूल तोड़ सकते हैं, या बहुत ज्यादा तो 1.5-2 फुट का स्टूल रख करके आप 6-7.5 फुट तक पहुंच के फ्रूट को आप हैंड पिक कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसको एरेशन मिलता रहता है और नंबर ऑफ प्लांट्स आपके बढ़ जाते हैं, तो आपका उत्पादन भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये होगी प्रूनिंग और पिंचिंग। पिंचिंग सिर्फ साइड शूट्स को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, और पिंचिंग करते रहना चाहिए। 2-4 मेन डालियां रख करके उसको पिंच कर दें तो साइड शूट्स बढ़ते जाएंगे, जितने साइड शूट्स बढ़ेंगे उतने आपके फ्रूट्स के उत्पादन आपका बढ़ेगा। अब उसके हार्वेस्टिंग पर और यील्ड पे आ जाता है। वैसे तो पहले साल से इसमें फ्रूट आना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं किसानी करने वाले कि पहले साल का फ्रूट का कोई मतलब नहीं होता, संख्या में भी कम आते हैं और प्लांट की उम्र पर और स्वास्थ्य पर भी काफी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो हम इसको 2 साल बाद से शुरू करेंगे इसमें फ्रूट लेना, तो 2 साल बाद आराम से 3-5 किलो इसमें फ्रूट आ जाता है। और कल जब आपकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं तो 3रे साल में तो ये आराम से 10-15 किलो फ्रूट आराम से दे देता है, स्पेशली ब्राउन कलर की, क्योंकि इसमें बहुत फ्रूट आते हैं, बहुत ज्यादा 15 किलो आराम से दे देगा। और 3रे से 5वें साल, वैसे तो 8वें साल तक ये एस्टैब्लिश होता रहता है, लेकिन 90% 3 से 5 साल में इसका यील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। तो 5वें साल से हमको इसका मैक्सिमम उत्पादन मिलने लगेगा और 8वें साल तक जाकर के ये स्टेबल हो जाता है। 8 से 35 साल तक हम इसमें आराम से फ्रूट ले सकते हैं। तो इसकी प्लांट की उम्र जो है मतलब एडवांटेजेस एज, शुरू के 2 साल छोड़ दीजिए, हमको फ्रूट नहीं मिलेगा। 3रे साल से 35 साल में भी हम चलिए 32 साल 3 साल और निकाल देते हैं, 32 साल 3 से 32 साल मतलब 28-29 साल तक की इसकी प्रॉफिटेबल है हम लोगों के लिए, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो 32 से 35 साल हम इसकी एक एवरेज एज मान के चल सकते हैं। तो 3रे साल से हम इसमें 10 से 15 किलो एवरेज भी मान के चलते हैं 3रे साल से 10 किलो, बिल्कुल मिनिमम पे जा रहा हूं मैं, ये आपको एक मैथमेटिक्स गिना रहा हूं मैं। तो 10x10 के हिसाब से एकड़ में हमारे 400 प्लांट लगने, 400 प्लांट पे 10 किलो मिनिमम मान के चलिए, ये बॉटम लाइन बता रहा हूँ, 10 से ज्यादा ही आना है बॉटम लाइन के लिए।
तो 4 टन 4,000 किलो फ्रूट हमको तीसरे साल में मिल जाता है, 2.5 से 3 साल के, इसलिए मैं 3 साल बोल। तो 4 टन 4,000 किलो हमको फ्रूट मिलता है और हम बिल्कुल बेसिक बॉटम रेट मान के चलते हैं 40 रुपीज पर केजी, सिर्फ 40 रुपया। तो 1,60,000 रुपया हमको 1 एकड़ से मिलता है तीसरे साल से। और 5वें साल से फिर वो 15 से 18 किलो तक चला जाता है और हम एवरेज, हमको ज्यादा नहीं जाना, सिर्फ 15 किलो भी एवरेज मान के चलें तो 6 किलो के हिसाब से, सॉरी 6 टन के हिसाब से 424 2,40,000 हमको मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसकी खेती में इनिशियल प्लांट्स की कीमत को छोड़ दिया जाए तो फिर आपका खेती का इनपुट बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट निल। अगर आप जैविक कर रहे हैं और आपके यहाँ जानवर हैं तो खाद आपका खुद का हो जाता है और दवाइयां इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम लोग खुद घर पे बना लेते हैं, जैसे कि जैविक खेती में हम लोग सब बनाते हैं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा मैं फिलहाल नहीं करूंगा। दूसरा सबसे कि हमारी जो प्रणालीगत खेती है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा हमारा होता है ये वीडिंग का, डीवीडिंग कैसे करना, उसके लिए अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो मजदूर लगाने होते हैं, खुरपी या फिर आपका वीडिसाइड डालो जो बहुत हैजार्डस है जमीन के लिए भी और पानी के लिए भी, और हम लोगों के लिए तो है ही खैर ऑब्वियसली। तो 10x10 के अंतर से लगाने से क्या है कि आप एक मिनी ट्रैक्टर लगा दीजिए और आपको दांती लगाना हो तो दांती, रोटावेटर लगाना हो तो रोटावेटर, 1 महीने 1.5 महीने में आप आराम से इसको घुमा दो तो बड़ी आसानी से आपका वीड निकल जाता है। दूसरा आपका केमिकल का खर्चा बच जाता है, आपको केमिकल कुछ इसमें कमोबेश डालना ही नहीं है, 10% शायद कभी जरूरत पड़ जाए तो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। पानी की रिक्वायरमेंट कम है ना, मजदूरी का जब तोड़ने का टाइम आएगा बस तब शायद एक टाइम मजदूरी लगना है, प्रूनिंग तो बड़ा इजी है, आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इन सब वजह से आपका जो क्या बोलना चाहिए उसको, जो चोखा नफा जो होता है, अल्टीमेट प्रॉफिट, वो ज्यादा दिखेगा किसान को। आज की तारीख में बहुत कम फसलें ऐसी है जिसमें कम से कम मेहनत में इतना पैसा मिल जाए। ठीक है, तो एक ये इसका हार्वेस्टिंग का था। और अच्छा, हार्वेस्टिंग इसके जैसे मैंने बताया 2 सीजन होती है, तो ये फरवरी मार्च से टूटना शुरू होगा तो मई जून तक चलेगा और उधर अगस्त सितंबर से शुरू होगा तो दिसंबर तक चलता है, तो 2 सीजन में इसको तोड़ा जा सकता है। अब इसके फल को कब तोड़ा जाए, वैसे तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में और मिडिल ईस्ट में इसको तोड़ा ही नहीं जाता, ये जब ये पक करके नीचे गिर जाता है तब इसको ला करके गर्म पानी में उबाल करके हल्का सा सुखा करके और पैक कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसलिए हम इसको 100% अगर वहां पकने देंगे तो उसमें फंगस और मोल्ड आना लाजिमी है, आना ही आना है। तो हमारे यहाँ जब 85-90% या 80-90% जब पक जाए तब इसको तोड़ा जा सकता है। और ये तोड़ने के लिए हम एक बहुत थंब रूल ये है कि हम जब फल को पकड़ करके हल्के से दबाते हैं और फल जब दबने लगे और उसका कलर चेंज होने लगे, जैसे पहले हरा है और उसका जो नेचुरल कलर आना है वो 80-90% ऑस्टियोल से ऊपर की तरफ पड़ता है कलर, वो आ जाए तो इसको हम तोड़ लें ताकि इसको बाजार में बेचा जा सके। इस फल की सिर्फ बहुत सारी खूबियां होने के बावजूद सिर्फ एक खामी है, मेरे हिसाब से तो खैर वो खामी नहीं है लेकिन हो सकती है बहुतेरों को, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जैसे हमारे यहाँ फालसा का फ्रूट होता है, जामुन होते हैं, ऐसे ही इसका है, इसकी शेल्फ लाइफ 3 से 5 दिन तक की मैक्सिमम है 100% पके हुए फ्रूट। 80 से 90% आप तोड़ते हो तो वो 4-5 मैक्सिमम 1 हफ्ता है अगर मानो तो, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी खेती के लिए। लेकिन उसके भी उपाय हैं जो हम अगर टाइम मिला आज तो आगे चर्चा कर लें उस बारे में। पहली बात, अच्छा अगर इसको कच्चा, कोई बोले कि साहब जैसे आम तोड़ते हैं हम और दूसरे फ्रूट तोड़ते हैं, चीकू तोड़ लिया तो पक जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसको तोड़ने के बाद फिर ये इसके पकने की प्रक्रिया लगभग बंद हो जाती है, और लगभग बंद होने से मतलब है कि ज्यादा रखेंगे तो ये जैसा मैंने कहा सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, फंगस आ जाएगी। तो इसको एक चीज हो जाती है, और कच्चा फूल अगर आपने तोड़ लिया तो इसमें जैसा जो लेटेक्स होता है ना उसकी वजह से, एक तो आप इसको दांत लगाएंगे तो आपके ओंठों में चिपचिपा हो सब आएगा, वो का टेस्ट बहुत गंदा और गमी होता है, कोई खाएगा नहीं इसको, इसलिए इसको फल तोड़ने के लिए भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इसको कब तोड़ा जा सकता है।
ना बहुत बाद में ना बहुत पहले, ठीक है। गणित मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कितना आपको मिल सकता है। खेती प्रैक्टिस से बता दी कि इनपुट बहुत कम लगता है। अब इस फल की उपयोगिता देख ली जाए, मेडिसिनल वैल्यू, जैसे बताया सेब से ज्यादा इसकी न्यूट्रिटिव इंडेक्स है, सेब का एप्पल का 9 है तो इसका 11 है, अंगूर का 6 है तो इसका 11 है। तो देखिए, एक तो इसमें फाइबर, जैसे मैंने बताया शायद पहले, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है तो हमारे गट सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेस्टेबल फाइबर है तो ये बहुत कब्ज दूर करने में सहायक होता है। पोटेशियम अधिक होने से मैंने बताया कि बीपी में राहत होती है, बीपी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उच्च मिनरल क्षमता वाला है तो आपकी एनर्जी लेवल को भी ये मेंटेन रखता है, बढ़ाता है। इसके पत्तों की चाय भी बनाई जा सकती है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होती है। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल जो वेगन का चर्चा चली है, वेगन लोग होते हैं इसके फ्रूट को खाना पसंद नहीं करते, उनका कहना यह है, एक डिबेट है इस बारे में कि भाई जो वास्प जाता है वो वास्प वहां मर जाता है, पॉलिनेशन करके वहीं मर जाता है, वो उसकी डेड बॉडी वहीं पड़ी होती है। तो हमको भी लगता है कि भाई इसके अंदर तो वास्प है मरे हुए, हम इसको कैसे खा लें। देखिए, कुदरत कितना इंतजाम करके रखती है अपनी हर चीज, कितने करीने से बना करके रखती है। इसके अंदर किसिन करके एक वो होता है, सॉरी क्या होते हैं, एंजाइम, जैसे पपीते में पपेन होता है वैसे इसमें एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम जो है फिसिन बोलते हैं, आइसिन या फिसिन जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, वो क्या करता है इसकी डेड बॉडी को प्रोटीन में कन्वर्ट कर। तो जैसे पपेन होता है, पपीते का लेटेक्स, तो जितने भी ये लेटेक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि फैट को या मांस को ये कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन, तो वो उसकी डेड बॉडी को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है और पूरा उसको सलुबल कर देता है, सलुबलाइज हो जाता है वो फिग का, वहां वास्प का नामो निशान नहीं होता और वो प्रोटीन फिग ट्री कंज्यूम कर लेता है। ये कुदरत की एक बड़ी अनोखी व्यवस्था है जिसको हम समझ सके तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं उसमें पॉइंट बताना भूल गया था, कल्टीवेशन प्रैक्टिस में, कि ये हाई टीडीएस को भी सहन कर लेता है और कुछ नमकीन खारी जमीनों, कुछ हद तक खारी जमीनों पर भी इसको उगाया जा सकता है, जो इसका बहुत बढ़िया उसकी पॉइंट है, उगाने के लिए बहुत अच्छा है। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी मैंने बता दी, सब कुछ बता दिया, अब इसके रह गए पेस्ट बीमारियां, डिसीजेस बीमारियां, और इसके क्या बोलना चाहिए, पेस्ट इंसेक्टिसाइड को, कीड़े वगैरह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पेस्ट में इसके वैसे तो बहुत रेगुलर खास कुछ है नहीं, जैसे लीफ रोलर्स होते हैं, फिग मोथ होते हैं, थिप्स होते हैं, स्केल माइट्स होती हैं, फ्रूट फ्लाइज होती हैं, विनेगर फ्लाइज होती हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो इसको प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं स्टेम बोरर। स्टेम बोरर अगर प्लांट में लग गया अंजीर में तो आपका पेड़ गया ही समझिए, उसके बहुत कम उपाय हैं और बहुत लेबोरियस उपाय हैं। तो उसका सबसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो स्टेम बोरर के जो बीटल्स होते हैं वो गर्मियों की शुरुआत में और गर्मी के सीजन में पेड़ के तने के पास, मतलब जड़ के पास जो तना जमीन से लगा हुआ भाग होता है वहां पर वो एग्स लेकर थे, तो उसको बचाने का सिर्फ एक यही एक तरीका है। हाँ, दूसरा बहुत तरीके है कि भाई उसके जो जो वर्म अंदर चला जाता है जो उसमें तार डाल करके छेद से फिर वो कुछ पेट्रोल या कैरोसिन डाल करके उसको बंद करो और वो फिर वो मुश्किल वाला काम है बहुत। लेकिन अगर शुरू से इसको हम गर्मियों में वहां पर जैसे हमारी शेड नेट के टुकड़े होते हैं ना उसको चारों तरफ लगा दें, मतलब उसके तने को घेर लें कुछ इस तरह से वो शेड नेट तने को टच ना हो और ऊपर का जो खुला भाग है उसको एक चमकीली परत से ढक दिया जाए तो वो एग्स दे नहीं करती, दो ढाई महीने उसको मालना होता है बस, ज्यादा नहीं। और डिसीजेस में कॉमन जैसे रस्ट होता है, ब्लाइट होता है, मोजेक आ जाता है,
नेमेटोड की एक प्रॉब्लम होती है और एक प्रॉब्लम हो सकती है सोरिंग ऑफ फ्रूट। नेमेटोड को तो जैसे हमको पता है कि रेतीली जमीन में होगा तो नेमेटोड आ सकता है, या प्लांट के साथ नेमेटोड आ जाए तो हम जैविक उपाय हैं उसके। और रस्ट वगैरह के लिए तो ब्लाइट के लिए तो आप कॉपर बेस्ड फंगिसाइड जैसा हमारा कॉपर और कैल्शियम के संयोजन से बनाते हैं हम, नाम बोलना हमेशा भूल जाता हूँ यार, तो उसको हम स्प्रे कर सकते हैं और उसके तने पर भी लगा सकते हैं 1% या 2% कंसंट्रेशन का कॉपर सल्फेट और चूने के पानी से, हमेशा मैं नाम भूल जाता हूँ, उसके तने को हम बोर्डो में, हाँ बोर्डो पेस्ट आप इसके तने को लगा सकते हैं जिसको उसको काफी सहायता मिलती है। सोरिंग, हाँ सोरिंग क्या है, कुछ यीस्ट की वजह से जब ये अंदर जाते हैं फिग वास्प तो वो यीस्ट डेवलप करते हैं जिसकी वजह से अंदर जो उसका गूदा होता है वो पानी जैसा हो जाता है और ऑस्टियोल से वो पानी बाहर निकलने लगता है जिसकी फर्मेंटेड स्मेल बहुत गंदी आती है। लेकिन वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, फिग वास्प है नहीं हमारे यहाँ, और जहाँ वास्प होती है वहां भी कभी कभार प्रॉब्लम आती है, लेकिन चूंकि इसका उल्लेख करना जरूरी था होता है इसलिए इसको बता दिया मैंने। अब और तो मैं इसमें क्या बता दूं, एंथ्रोक्नोज भी इसमें डिसीज में एक एंथ्रोक्नोज भी आ सकती है जिसके कारण पत्तियों पर काले और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, इसको फंगीसाइड से कंट्रोल किया जा सकता है और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर जहां जहां इसका उपद्रव हो उतनी चीजें काट करके आप जला दीजिए। रस्ट के लिए मैंने बताया कि ये आपका बोर्डो पेस्ट और बोर्डो लिक्विड भी हम यूज कर सकते हैं। फिग मोजेक आता है वो वायरस की वजह से होता है, वायरस कंट्रोल करने के लिए हमको माइट्स को रोकना होगा इसके कारण वायरस ना जाए, वायरस के कारण इसके पत्ते जो ग्रीन होते हैं उसमें थोड़े से पीले पैचेस जैसे दिखने लगते हैं, तो या तो फिर उनको पत्तों को आप जला दीजिए, दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है। दूसरी भी होती है जैसे एंडोप्सिस होते हैं, एजस्पलोजिसिस होती है, फोमोसिस होती है, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज्यादा कुछ उनका चलन है नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से मैं अपना सारा सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप में से कोई कुछ जानना चाहे या किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज। पहले मैं स्लाइड्स थोड़ा सा शुरू, सर एक बार आखिरी हमने शुरू से बता दी क्या स्लाइड्स एक बार क्या है कैसा है। फ्रूट सारे हो गए थे, मेरे फार्म के फोटो भी हो गए थे, वो फार्म के कुछ कट सेक्शन थे, कुछ सूखे हुए फ्रूट थे, तो वैल्यू एडिशन के लिए तो बताने का टाइम नहीं है लेकिन एक लाइन में बता देता हूँ, इनको सुखाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और मैंने कुछ फ्रूट सुखाए उनके, आप लोग चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, और नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे। इसको सुखा करके इसका वैल्यूएशन किया जा सकता है इसके जिम। हाँ ये देखिए, जैसे ये मैंने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर के अलग अलग जैसे फ्रूट लिया था तो फ्रूट को नेचुरल फ्रूट को सुखाया गया था, फिर एक एक बैच ऐसा जिसको ब्लांचिंग किया गया था, एक बिना ब्लांचिंग का था, ब्लांचिंग में भी एक फ्रूट ऐसा था जिसको हमने पंच किया था, एक विदाउट पंचिंग था, एक ब्लांचिंग प्लस ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का था, एक सिर्फ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का था, तो बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके इनको सुखाया गया था, ये वो है। और वो फार्म के फ्रूट सर एक बार बता दीजिए, वो हाथ लगा हुआ है वो अगर आ जाए तो थोड़ा सा चलिए ठीक है। हाँ ये देखिए, ये फ्रूट देखिए, हाँ ये, हाँ ये ब्राउन टर्की का फ्रूट है जो मेरे फार्म के फोटो थे, वो मैंने बताया ये है और ये उसके कट सेक्शन है नीचे, नीचे इसको काटा गया है नीचे की साइड बता दीजिए सर। हाँ ये जो है ये कट सेक्शन है, देखिए आप अंदर का कलर बाहर का कलर कैसा है, और बाहर का कलर ये ब्राउन टर्की वैरायटी। ठीक है सर, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को इतना सुना और मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, मुझे टाइम दिया, हालांकि बहुत सी चीजें अभी बाकी रह गई लेकिन समय को देखते हुए मैं पर विराम देना चाहूंगा, फिर कभी अगर टाइम मिला तो हम लोग इसके डिहाइड्रेशन पर और वैल्यू एडिशन पर, वैसे बता देता हूँ वैल्यू एडिशन में हम इसके डिहाइड्रेट नहीं करना हो, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, सनड्राई करके इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, और मैकेनिकल ड्राइंग होती है तो ड्राइंग वो ड्राई करके फिर हम इसको जैसे बाहर से हम खरीद के लाते हैं वैसे उसको, या तो एज ए होल फ्रूट भी रख सकते हैं जैसा नेचुरल साइज होता है वैसा, या उसको प्रेस करके मूंज की रस्सी में पिरो करके भी उसको हम दे सकते हैं।
अभी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ और 80% सक्सेस रेट है। जो फ्रूट आपने देखे वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। अभी हम थोड़ा सा और उसमें करना चाहेंगे और अगले साल तक हम इसमें आशा है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। अब आपके कुछ अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी बहुत धन्यवाद अंकल जी। आप सभी के माइक अभी ऑन कर दिए गए हैं और आप सभी से अनुरोध है पहले आप अपना परिचय देंगे, इस क्षेत्र से हैं और आप क्या करते हैं और फिर आपके सवाल आप। स्वागत है सुखेंद्र जी, आपका माइक ऑन है, आप भी सवाल रखिए, आपका रेज हैंड है। जी जी क्या सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मुझे आ रही है। आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आ रहे हैं शुभम जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मैं शैल मिश्रा एमपी रीवा से बोल रहा था। जी बोलिए मिश्रा जी। सर मैं जानना चाह रहा था अंजीर सर क्या लाल मिट्टी में हो सकता है, सर कैसा रहेगा? लाल मिट्टी से आश्रय क्या है, कंकर पत्थर है नीचे? हाँ सर रेतीली मिट्टी है थोड़ी सी, मतलब देखिए रेतीली अगर है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर कंकर पत्थर है ज्यादा, समझ लीजिए 2-2.5 फुट के बाद अगर पत्थर आता है, 3 फुट के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी अच्छी बढ़िया सॉइल है, लेटराइट भी अगर है तो भी चलेगा, लाल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस लेकिन जो कंडीशन, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए सॉइल के हिसाब से, 1 कंडीशन सॉरी कि आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। 100% रेतली जमीन होगी तो फिर आपको फ्रीक्वेंटली पानी देना पड़ेगा। जी 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 आपकी मिट्टी में पानी नहीं भरता हो और रीवा की जैसी आपकी मिट्टी है, अगर आपका निचला क्षेत्र नहीं है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं वहाँ पे। नहीं वो तो ऊंचाई पे है और सबसे बड़ी चीज ये कि पानी जो मिट्टी है वो अपनी लैंड है वो स्लोप में है, बहुत पानी रुकने का वहाँ पे तो सवाल ही नहीं है। मतलब ये है कि उसकी प्रोडक्शन में कोई कमी या वाटर स्वेलिंग में, मतलब अपने को बार बार देना पड़ेगा ऐसा कुछ? देखिए देखिए कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जैसे अभी मैंने बोला वो सब आपके लिए थ्योरी है, ठीक है, और वो जमीन के टाइप हर चौथे खेत में बदल जाता है, तो ऐसा अगर आपको डाउट लगता है तो पहले थोड़े से अपडेट पौधे लगा के आप देख लीजिए, 10-12 पौधे लगा लीजिए और 6-8 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका, 4 महीने में मिल जाएगा जी, उसकी ग्रोथ देख के आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे बढ़िए ना। अपने नहीं, अपने एक समस्या है दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा है अपने, क्योंकि लाल मिट्टी है। देखिए देखिए दीमक का प्रकोप अगर है तो उसके बहुत सारे इलाज हैं, जैविक केमिकल में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। जी 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 जैविक इतने उपाय हैं कि आपके यहाँ दीमक आएगी ही नहीं, और आएगी तो पौधे के पास नहीं आएगी, कुछ नहीं होना है आपको। जी सर धान की जमीन है और चिकनी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है सर? चिकनी मिट्टी बिल्कुल। नहीं नहीं पहले आप कुछ बोले, कहाँ की जमीन है? धान वाली जमीन है सर, पैडी। ओ तो वो तो डेप्थ में होगी ना सर, गड्ढे में होगी? नहीं सर गड्ढे में नहीं है, अभी पानी निकल सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ओके देखिए इसको हम ऊपर बेड बना के लगा सकते हैं या कैसे सर? देखिए इसमें मैंने बताया ना, दो ही चीजें हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मतलब सिर्फ नमी रहना चाहिए, पानी भी नहीं रहे, वो ऐसा ना हो। हाँ जी पानी तो सोखती नहीं, पानी ऊपर वाली लेयर में ही रह जाता है, जिस तरह धान में भी पानी खड़ा रहता है, खत्म नहीं होता इसमें तो। बस ठीक है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि पानी नहीं रुकना चाहिए, किसी भी टाइप की मिट्टी हो और मिट्टी होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंकर पत्थर चल जाएगा बट बढ़िया हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। कंकर पत्थर नहीं है बट सर क्ले है। क्ले है? हाँ जी। तो क्ले तो फिर वो स्प्लिट होती होगी ना, फटता होगा, केक बनता होगा सॉइल का। हाँ जी हाँ जी। और बारिश में बिल्कुल रगड़ा हो जाता होगा, रबड़ी बन जाता होगा, खेत में चल नहीं पाते होंगे, बहुत जबरदस्त। तो फिर बारिश में कैसे क्या करेंगे सर? अगर बेड बना लें ऊंचे भाई, आप रेज बेड बनाने की बात कर रहे हैं और आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आपकी नॉन कोएसिव सॉइल है तो बेड कैसे बनेगा? पांव रखेंगे और तहक जाएगी, डरक जाएगी ना वो तो। हाँ जी हाँ जी। तो आप उसका बेड कैसे बना पाएंगे? बड़ी मुश्किल से आप बेड बनाएंगे, 4 फुट का बेड बनाए जाएंगे तो 1.5 फुट का बेड बनेगा पहली बात तो। हाँ जी। और हाँ, और फिर उसमें मान लो पानी पड़ा तो पानी के साथ बह जाएगा आपका पांव, बहता नहीं है सर, वो बंद जाती है मिट्टी, बंद जाती है ना। हाँ जी बंद जाती है सर। हाँ तो फिर ठीक है, देख लीजिए आप, लेकिन आप भी ऐसे ही करिए, 10-15 पौधे लगा करके एक बार टेस्ट कर लीजिए, 6 महीने में सब पता चल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको,
और पौधे कहाँ से लें सर? बहुत सारी नर्सरियां हैं और नेमाटोड की समस्या से बचने के लिए कहाँ से इसके अच्छे पौधे लें? देखिए, पौधे इंडिया में बहुत सारी नर्सरीज हैं, आपको किसी भी नर्सरी से पौधे मिल जाएंगे, आप तलाशिए। आपको पौधे की सर एक किसकी? ये तो नर्सरी डिपेंड करता है सर, आप नर्सरी वाले से पूछेंगे तो आपको बताएगा। लेकिन लगाने ताइवान के है और ये सलाना देश के हैं, वो भी है या ये नहीं सारे? नहीं नहीं नहीं, ताइवान में नहीं होता, ताइवान की कोई वैरायटी नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया अंजीर उगाने वाले देश ने सारे नाम गिना है ना, तुर्की, इजिप्ट, मोरक्को, अफगानिस्तान, ईरान, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, ये जितने मिडिल ईस्ट के और मेडिटेरियन जो जोन है ना, वही होता है। इंडिया, कैलिफोर्निया, ये वही होते हैं। तो ये ताइवान से आपका पपीता मिल जाएगा, आपको गुआवा मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है जी। दिक्कत हमारे यहाँ ये है ना नर्सरी वालों में। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है सर? मैं बलराम ग्रुप में हूँ सर, आप मैसेज डालिएगा ना, कोई बात नहीं, मिल जाएगा मुझे। ठीक है सर, ठीक है। आप सभी प्रश्नकर्ता से ये बहुत विनम्र अनुरोध है कि पहले आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, इसके बाद आप अपना सवाल रखें। सर, मैं सुखविंदर सिंह, फतेहाबाद, हरियाणा के हूँ। जी, धन्यवाद। अगला आपका जिनका भी सवाल हो आप अपना परिचय दें। दिग्विजय सिंह बिश्नोई जी, आपका हैंड रेज है, आप लीजिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह बिश्नोई श्रीगंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं पूछ रहा था इसके अंदर हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ, इसका जैसे फ्रूट तोड़ते हैं तो इसके खारिश वगैरह भी ज्यादा होती है क्या? क्या होती है खारिश? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब फ्रूट खारा होता है क्या ऐसा? नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि पौधों से, पत्तों से, या जैसे ग्वार की फली में या भिंडी में होती है, आपका सवाल होता है? हाँ जी, खुजली नहीं होती है ऐसा? हाँ ही हाँ जी, अच्छा। हाँ, मतलब खुजली तो नहीं आती? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, देखिए, इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी है। हाँ में इसलिए है कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, इसका जो वो लेटेक्स दूध निकलता है ना, वो अगर टच हो जाए तो वो कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, तो जो आप बोल रहे हो वो प्रॉब्लम हो सकती है खुजली। तो बेहतर है कि अगर ऐसा है तो दस्ताने पहन करके फ्रूट को तोड़े और उसके लेटेक्स से बने वहां तक बचने की कोशिश करें कि वो टच ना हो। पौधे को टच करने से कुछ नहीं होगा, लेटेक्स टच नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, और इस मार्केट है जी, इसका मार्केट सबसे ज्यादा मार्केट कहाँ पे है जैसे अपने? ये देखिए, मैं बताना भूल गया, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका मार्केट कहाँ है। देखिए, इसमें क्या है, मैं 60 साल का हूँ, ठीक है जी। मैंने मेरी 60 साल की जिंदगी में इंडिया में सिर्फ एक बार मुंबई में आज से 20 साल पहले ये फ्रेश फ्रूट बिकते हुए देखा था। बड़ौदा में इतने साल से रह रहा हूँ, अब मैं दो चार दिन के लिए कुछ दो चार बॉक्स देख लेता हूँ फ्रूट्स के। वो इसलिए कि हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप नहीं है, पूरी खाई है यहाँ। हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, मैंने बताया बहुत कन्फाइंड इलाका है, कुछ 100 या कुछ 1000 हेक्टेयर ही है बस पूरे इंडिया में, तो फ्रूट आ ही नहीं पाता। 60% लोगों को पता ही नहीं है कि इसका फ्रेश कंजम्पशन भी हो सकता है, तो इसका फ्रेश मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। चुनाचे हम थोड़ी सी मेहनत करें, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये फ्रेश मार्केट, फ्रेश भी इसको खाया जा सकता है, और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये बहुत, अभी तो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसका शुरू में दो चार महीने मेहनत करना पड़ेगी, फिर आराम से जाएगा। वैसे ये दिल्ली, आजादपुर मंडी में, बॉम्बे में, उसकी वर्ली में, और सब मंडियों में आराम से जाता है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में, इंदौर में, सब तरफ चला जाता है। आपके जयपुर वगैरह मंडी में भी चला जाएगा, फतेहाबाद बहुत बड़ी मंडी है। वैसे तो मेरे नजदीक में 2-3 बाग लगे हुए हैं, तो आपके यहाँ श्रीगंगानगर से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी साहब। तो आपके यहाँ राजस्थान में डियाना वेराइटीज लगी हुई है? हाँ जी, पीले फल वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं वो। हाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ 2014 से, और मैं ये चाह रहा था इनके पौधे कहाँ मिलेंगे?
देखिए इनके पौधे इंडिया में इतनी सारी नर्सरियां हैं, किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगे आपको, लेकिन पहले आप ये नक्की करिए कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है, फिर आप नर्सरी में पूछताछ शुरू करिए कि भाई आपके पास है कि नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रहा था कि सारी चार चार पांच पांच पौधों की वैरायटी लगा लूं मैं, उसके बाद जो ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी, ज्यादा अच्छा फल देगी, उस वैरायटी को मैं रख लूंगा। सही, आपका सोचना सही है, लेकिन ये जो है इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वैरायटी वाइज आपको ज्यादा वैरायटीज लगाने का शौक है तो अलग बात है, बाकी आप ये सोचेंगे इसमें कम आएगा उसमें ज्यादा आएगा तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। आप बहुत सारी वैरायटीज भी लगा सकते हैं और एक दो चार वैरायटीज भी लगा सकते हैं, इज अप टू यू, आप जैसा चाहें। डॉक्टर साहब, मैं उन नर्सरियों का नाम जान सकता हूँ आपसे? देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर नर्सरी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका एक कारण है कि पिछले चार साल में मैंने इंडिया की कोई नर्सरी बाकी नहीं रखी है और मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप खोज सकते हैं, नेट पे बहुत सारी अवेलेबल हैं। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो पता नहीं मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको किसी का नाम बता दूं और आप चीटिंग का शिकार हो जाएं तो वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी आता है। जी बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। जी नमस्कार सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि बेस्ट वैरायटी कौन सी है। परिचय दे दीजिए प्लीज। सर शैलेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, एमपी रीवा से। अच्छा, हाँ रीवा से। हाँ 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 जी हाँ जी। देखिए बेस्ट वैरायटी क्वालिटी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखिए बेस्ट वैरायटीज, अब आप मुझे बताइए, दुनिया में 800 छोड़ दीजिए 600 वैरायटीज हैं, है ना, और बेस्ट कोई एक अल्टीमेट चीज नहीं होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। शैलेंद्र मिश्रा जी मुझसे ज्यादा लंबे हैं तो किसी और से छोटे भी होंगे। जी बिल्कुल, आपसे छोटा हुआ ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट की बात कर रहा हूँ दोनों में। हाँ, तो ये चीजें है ना, अल्टीमेट नहीं है, अंतिम नहीं है, ये सब कंपैरेटिव है। तो अपने एमपी जोन के लिए, मैंने एमपी में हो गई रीवा में, कौन सा वैरायटी का बेहतर है जो ग्रोथ करे और आउटपुट अच्छा है, ये पूछने मतलब मेरा था, क्यों क्लाइमेट पे भी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले आप ये नक्की करिए कि आपको किस वैरायटी में इंटरेस्ट है। पूना रेड है अपने यहाँ की, दिनकर है ना, ये दो अपनी इंडियन वैरायटी है, बाकी बाहर की वैरायटीज हैं तो उस हिसाब से आप आगे चलिए। हेलो प्रवीण जी, आपका कोई सवाल है? सर ये पूछ रहा था जिसका मार्केट में डिमांड हो और आउटपुट अच्छा निकले, कमर्शियल। हाँ, हाँ कमर्शियल, देखिए कमर्शियल में तो मार्केट में अभी कोई पर्टिकुलर फ्रूट अंजीर की वैरायटी की डिमांड नहीं है, और है भी नहीं, इसलिए है कि लोगों को पता ही नहीं है ना कि इतने टाइप की वैरायटीज होती हैं, इतने कलर की होती हैं, इतने एरोमा की होती है, इतने ब्रिक्स वैल्यू की होती है, किसी को पता नहीं है। वो तो जैसे जैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे लोगों का रुझान बढ़ेगा, अभी किसी को पता ही नहीं है कि इतने टाइप की होती है। जी सर, थैंक यू जी। प्रवीण जी, आपका सवाल है कोई? आपके हैंड रेज है, आपका परिचय दीजिए। प्रवीण कुमार जी, सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी आपका नेटवर्क नहीं होता है, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ पा रही है। आपसे अनुरोध है आप अपने सवाल जो है चैट बॉक्स में लिखिए। और भी किसी का सवाल है जो आप पूछना चाहें यहाँ पे, शिव सर आप चैट बॉक्स से सवाल ले सकते हैं। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप में से किसी और का कोई सवाल है? जी और का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका परिचय देते हुए। सर मैं बसंत वर्मा बोल रहा हूँ, हरदा मध्य प्रदेश से। नमस्कार वर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे आपने बताया कि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम है तो इसको प्रिजर्व कैसे करें, और चूंकि औषधीय गुण ज्यादा होते हैं तो क्या प्रिजर्वेशन ठीक है क्या इसके लिए? क्या ज्यादा होते हैं इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। हाँ, कम होती है बिल्कुल। तो इसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, और इसमें औषधीय गुण होते हैं तो क्या वो उचित है क्या प्रिजर्वेशन? हाँ, आपका सही सवाल है। देखिए प्रिजर्वेशन फ्रेश फ्रूट जो है ना
उसको बहुत कम टाइम तक, जैसे मैंने बोला 3 से 7 दिन तक, ठीक है। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ओपन कंडीशन में 3-3.5 दिन तक रख सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 80-90 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इसको आप 7 दिन तक से 7 से 10 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर करना है तो आपको इसको डिहाइड्रेट करना ही होगा, और डिहाइड्रेट करने के बाद आप इसकी शेल्फ लाइफ कैसे इसको रखते हैं स्टोर, उस पर डिपेंड करता है। जैसे फ्रीज ड्राइड अगर होता है तो उसकी लाइफ 10 साल तक भी हो सकती है जी, है ना, और उसके औषधीय गुण उसमें वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। चैटबॉक्स से कैलाश शर्मा जी का एक सवाल है कि पंजाब और हिमाचल जैसे ठंडी इलाकों के लिए कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट रहेगी, या कोई ग्रुप जो वहां पे सबसे बेस्ट है? देखिए, हिमाचल का जो मैदानी प्रदेश है, ये पंजाब से लगा हुआ, जैसे ऊना वाला, ऊना उसके आसपास जहाँ किन्नू हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ किन्नू के बाग लगे हुए हैं, वहां यह आराम से हो सकता है। बस बहुत ज्यादा ठंडी में ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा, ठीक है। ठंडी ठंडी की जो वैरायटीज हैं, जैसे ब्लैक हार्डी है, शिकागो हार्डी, सॉरी, जैसे शिकागो हार्डी है, वो ठंडी का है, बट अपने यहाँ पंजाब में उसमें इतनी ठंड नहीं पड़ती, वो वहां नहीं सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए ये रेगुलर वैरायटीज ही, लेकिन मैदानी, ऊपर नहीं। जैसे अभी आप कुल्लू, भुंतर, मंडी का टेम्परेचर देख लो, आज की 2-3 दिन पहले का 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहां नहीं, ये आपके मैदानी प्रदेशों में आराम से हो सकता है। आपके पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो सन 2013 से ब्राउन टर्की की अनुशंसा करके, रिकमेंडेशन करके रखी हुई है, कोई लगा नहीं रहा है पंजाब में। हरियाणा के लिए, सिरसा के लिए अगर कोई जो हो सके ऐसी वैरायटी? हाँ, हरियाणा में लगा रहे हैं ना, ब्राउन टर्की लगा रहे हैं हरियाणा में, अभी चालू है लोगों का लगाना। क्या कोई और भी सवाल है जिनके आज के? नहीं सुरम जी, और कोई सवाल नहीं है चैट बॉक्स में, नहीं। ठीक है, आज का जो ये सेशन है हम इसकी समाप्ति की तरफ हैं। अब जैसा कि कोई भी सवाल नहीं है तो अपने बीच में हम जितने भी लोग अभी लास्ट तक इस सवाल, इन सारी चर्चाओं को सुन सके हैं, इसका एक धन्यवाद ज्ञापन का दौर आ चुका है। तो आप सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राजन अंकल जी का, जिन्होंने आज के लिए विशेष टाइम दिया और एक ऐसी फसल को चुना, एक ऐसे फल को चुना जिसके बारे में भारत में अभी कोई काम ही नहीं हुआ है करीब करीब। आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं इंट्रोडक्शन में मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं सोचता था कि पहले लोग आपको सुने, आपको जाने, फिर उसके बारे में कुछ और भी जो चीजें छूट सकी हो वो हम उसको कवर कर सकें। तो जो आपका अनुभव है, हम डेली सीखते हैं आपसे, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो या कुछ भी हो, किताबों से बाहर व्यक्तिगत तौर पे प्रैक्टिकल आपका जो अनुभव है वो एक व्यक्तित्व में नहीं है, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूट रहे हैं मेरे लिए हमेशा। और अंजीर में पिछले 3 सालों में आपने मलेशिया हो या कोई भी ऐसी जगह जहां से आपने कटिंग संभव हो सकी थी बनाई, और लगातार बताते रहे, ऐसी चीजें करते रहे कि हमें एक बहुत बढ़िया वेबिनार करने का एक मौका मिला जो भारतीय किसानों के लिए भविष्य में बहुत बढ़िया काम आएगा। तो निश्चित तौर पे आपने हर एक बारीकियों को भी छुआ इसकी, जो ये क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप का फल है कि इसको आप कच्चे में नहीं तोड़ सकते, इसके लेटेक्स से क्या चीज प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वैरायटी के ग्रुप क्या है, या किस तरह की जलवायु ये चाहती है, और अपने मौजूद जितने भी सवाल थे उनका बहुत ही अनुभवी तौर पे आपने इनका सबका निराकरण किया। तो इसके लिए विशेष तौर पे बलराम संदेश जो है आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आपकी पूरी प्रदर्शन, आप ये चर्चा थी, हम और भी आभारी हैं आदरणीय श्रीमती श्रद्धा चौरे जी का, जो हमारे साथ इस चर्चा के दौरान लगातार आपके प्रदर्शन को भी देख रही थी और हमसे ज्यादा वो आपसे लाइव वहां पे सुन रही थी। आप में से और भी कोई किसी का अनुभव हो अगर आज की चर्चा के बारे में तो आप शेयर कर सकते हैं। इनके अलावा मैं दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर देवेंद्र प्रासी सर को आज की जो चर्चा है इसके सार के लिए।
और हम आज कितने लोगों तक की टच कर पाए और किस किस राज्यों में जुड़े। तो सर शुभम एक दो लाइन में बोल लूं प्लीज। जी जी प्रयासी सर के बोलने से पहले मैं ये चाहूं कि इस समूह में मुझे आप जैसे सब लोग मिले, आदरणीय ऊर्जा से और ज्ञान से भरपूर, वो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसे प्रयासी सर हैं, मैं भी सरकारी नौकरी में रहा हूँ, सरकारी तौर तरीके जानता हूँ, बावजूद इसके उनके काम करने का तरीका जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सरकारी सर्विस में होने के बावजूद व्यक्तिगत तौर पर इतना इंटरेस्ट लेना, ये शायद मैं ही समझ सकता हूँ। 35 साल से सरकारी नौकरी की है। आपका व्यक्तित्व है, सौरभ जी हैं, राकेश दुबे जी हैं, जिनको सबको ग्रुप में देखता रहता हूँ, हालांकि शिरकत बहुत कम करता हूँ मैं, लेकिन देखता रहता हूँ। बसंत जी हैं, वर्मा जी, जिनको मैं नाम ले रहा हूँ जानता हूँ, और एक नाम जो मैं लेना चाहूंगा आदरणीय दशरथ गुरु जी, हालांकि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, लेकिन उनके विचार भी देखता रहता हूँ, तो इन सबसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इस ग्रुप का मैं एक सदस्य हूँ। धन्यवाद सौरभ जी। निश्चित रूप से शुभम जी, निश्चित रूप से आज बहुत कुछ, मतलब आज लगा कि यदि आप में को जो है पूरी तल्लीनता के साथ आप अपने काम को करते हैं, उसको उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको सतत रूप से आप एक्सप्लोर करते हैं। तो इतना अंजीर के विषय में जितना मैंने पहली बार अंजीर की खेती जैसा कोई जो है, क्योंकि एक वेबिनार में पहले अटेंड कर चुका हूं और सुन चुका हूं आदरणीय चौरा साहब आपको, तो आज दूसरी बार सुना और इतने तरीके से एक किसी भी फसल के विषय में, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे वैज्ञानिकों को भी इतना पता होगा। और मैंने कोशिश की कि मैं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को भी जो है शामिल कर सकूं और इतना जो है एक अच्छी समरी उनको जो है अपने आप बैठे बैठाए मिल जाती। दुर्भाग्यजनक रहा कि कोई भी शामिल नहीं हुआ उसमें। तो जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में सर का जो है हम सबका सर का सानिध्य हम सबको हमेशा मिलता रहेगा। और इस दिशा में अंजीर की दिशा में जो है एक बार फिर नए सिरे से हम वेबिनार को आयोजित करेंगे और एक डिटेल्ड वेबिनार होगा जिसमें 3-4 एस्पेक्ट को लेंगे और जिसमें अपना वैल्यू एडिशन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम कैसे इसको वैल्यू एडिशन करें कैसे, क्योंकि इसकी पेरिसेबल आइटम है, 4-5 दिन में अगर ये खराब होता है तो किसान के लिए मार्केटिंग कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। यदि छोटी छोटी लागत को लगा के हमारे किसान इसका प्रिजर्वेशन कर सके या इसमें वैल्यू एडिशन करके इसको स्टोरेज कर सके, वो अपने आप में एक बहुत बेहतर दिशा होगी, खासकर उन लोगों को जो है पैमाने पे जिनका जो है कम से कम 10-25 पौधों का या एकड़ 2 एकड़ की प्लानिंग कर रहे हैं। तो शीघ्र ही हम इस दिशा में आपस में चर्चा करके टीम बलराम से चर्चा करके और जो है इस पे वैल्यू एडिशन पे एक वेबिनार जो है आदरणीय चौरे साहब से चाहेंगे कि जो है उस पे हमारे किसानों को, हमारे साथी लोगों को, सभी को जो है उस पे अपने अनुभव साझा करेंगे, तो ये एक बेहतर दिशा होगी। आज जो हमने देखा कि लगभग 7-8 राज्यों के लोग की सहभागिता रही और यही बलराम संदेश की खूबी है कि हमारे जो है किसान जो है कभी भी ऑल ऑफ सडन हम वेबिनार को प्लान करते हैं, जैसे ही हमारे एक्सपर्ट की कंसेंट मिलती है और हमारे किसान हमारे साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और वो सभी लोग जो है अपना समय, अपना अमूल्य समय जो है देते हैं, उसको सुनते हैं और मनन करते हैं। तो मैं सभी का टीम बलराम की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी 8 राज्यों के किसानों को जिन्होंने आज अंजीर की खेती में भाग लिया और उसको उसमें उसकी बारीकियों को समझा, साथ ही साथ सर के अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिशा में आप बड़े पैमाने पर शुरुआत मत करें। आदरणीय चौरे साहब को विगत 4-5 सालों से जानता हूं और साकेत और फिर बलराम संदेश इस ये सभी जो है मुख्य द्वार रहे जिनके आधार पर हमारा आपसी परिचय हुआ। शुरुआत हमेशा छोटी कीजिए और कंटिन्यूअस कीजिए, एफर्ट्स आपके कंटिन्यूअस हो। एक साल में अगर आप 10 पौधे लगा रहे हैं तो अगले साल उसको अगर आपको ठीक लगता है और उससे आपको कोई नुकसान नहीं है तो उन पौधों को बढ़ाते जाइए
और इस तरीके से आप कर एक अच्छा जो है इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के साथ मैं शुभम जी को जो है आग्रह करूंगा कि वो फाइनल रिमार्क्स दें, और आदरणीय जो है आज के हमारे विशेष वक्ता आदरणीय आर के चौरे साहब का जो है आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय शुभम जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशीर्वाद रखें हमेशा। बहुत शब्द नहीं है, मैं जानता हूँ राजेंद्र अंकल जी ने खंडवा के आप निवासी रहे हैं, और जिन्हें आप सुन रहे थे ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने कभी जो बाजार में जो हाट लगती है वहाँ बचपन में इन्होंने उस दौर से सफर शुरू किया था जब आपने खुद जो है ऐसे गेहूं के ढेर लगा के और अनाज भी बेचे हैं अपने बचपन में, और उस दौर से आपने अपने आप को उस काबिल बनाया कि एक सिविल सर्विस को आपने पूरे अंजाम तक पहुंचा के आपके पास गुजरात में वडोदरा में आप निवास करते हैं और गौशाला है, गिर की गौशाला है, बड़े बड़े सुदृढ़ रूप से बड़े व्यवस्थित रूप से उसमें किस तरफ से गौमूत्र आएगा और कैसे खेत में जाएगा कैसे छनेगा बहुत बढ़िया सुचारू रूप से है आप। मैं मेरी इच्छा है मैं कभी आपसे बहुत जल्द मिल सकूं, आज तक हम कभी मिले नहीं, लेकिन आपके साथ जो बंधन है और जिस तरह से आपने अभी तक हमको हमेशा दिशा निर्देश रखे हैं, तो आपके व्यक्तित्व के आगे तो मेरे जीवन में दो ही लोग थे, एक दीपक सुजदे जी थे, स्वर्गीय दीपक सुजदे जी, और उनके बाद मैं आपको पाता हूँ जो आप अपने आप में इस तरह की ज्ञान रखते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हो या नई चीज जो अंजीर की खेती है इसमें हो या गायों का हो या फिर अभी सोलर पे भी आप आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से वर्किंग में हैं, कुछ और नए आप प्रोसेस भी सर्च करते रहते हैं और पुरानी चीजों पे भी आपका बहुत गूढ़ परिचय है, तो मेरे संभव तो नहीं है कि मैं आपको कहीं एक जगह कहीं सीमित करके सोच पाऊं कहीं पे, हम लगातार सभी लोग जुड़े रहेंगे और बलराम संदेश बहुत शीघ्र आपको दोबारा से कोशिश करेगा कि आप एक नए जो स्पेशल एक पार्ट और बड़ा रह जा रहा है अंजीर की प्रोसेसिंग स्पेशल, तो उसके बारे में एक अच्छा आप तो प्रोग्राम कभी कर सकें इसके लिए आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो बहुत ज्यादा शब्द नहीं लेते हुए, अब समय काफी हो चुका है, आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए, और बलराम संदेश हमेशा स्वागत करता है ऐसे सभी किसानों का जो नया सीखना चाहते हैं या इन जानकारियों को दूसरे किसानों तक पहुंचाते हैं। आज के वेबिनार के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, श्री राजेंद्र कुमार चौधरी जी वडोदरा गुजरात से जिन्हें आप आज सुन रहे थे, जय बलराम, धन्यवाद।